CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम क्रिसमस। आलेख क्रिस्टोफर सिंह का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। बच्चों, हमारे देश में सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी, यहाँ सिख भी रहते हैं और ईसाई भी। अलग अलग धर्मों के अपने अपने त्योहार हैं, इसीलिए भारत में त्योहार भी बहुत होते हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना होगा जिसमें भारतीय त्योहार नहीं मनाते, और विशेष रूप से सर्दी का मौसम तो अपने में बहुत से त्योहारों को छिपाए है। सर्दी के मौसम के आरंभ में ही आता है दशहरा, फिर ईद, दिवाली और गुरु पर्व। जब पुराना साल समाप्त होने लगता है तो वो जाते जाते दे जाता है खुशियों का त्योहार बड़ा दिन या क्रिसमस। क्रिसमस यानी यीशु मसीह का जन्मदिन। हाँ बच्चों, यीशु मसीह के जन्मदिन को सब लोग क्रिसमस के त्योहार के रूप में ही मनाते हैं। ये त्योहार दुनिया के बहुत से देशों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ जगह तो 2 महीने पहले से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे देश में भी कई जगह बहुत दिन पहले इस त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बच्चों को तो बहुत ही मजा आता है। उनके लिए नए नए रंग बिरंगे कपड़े बनते हैं, बढ़िया बढ़िया मजेदार मिठाइयां और पकवान खाने को मिलते हैं। और बच्चों, इसके बाद सभी लोग चर्च यानी गिरजाघर जाते हैं। चर्च ईसाई लोगों की प्रार्थना और पूजा का स्थान होता है। चर्च जाकर ईसाई लोग क्रिसमस के दिन अपनी धर्म पुस्तक बाइबल में से पाठ पढ़ते हैं, भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में वो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। चर्च में प्रार्थना करने के बाद सब लोग एक दूसरे से बड़े ही प्रेम के साथ मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाई और उपहार भी देते हैं। ये उपहार प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने की याद दिलाते हैं। बच्चों, क्रिसमस से लगभग 1 सप्ताह पहले कुछ लोग रात को भजन मंडलियां लेकर निकल जाते हैं। इतनी सर्दी में भी वो घर घर जाकर यीशु मसीह के जन्म का संदेश गा गा कर सुनाते हैं। कई बार तो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी सारी रात भर घर घर जाकर भजन गाते हैं। सोते हुए लोगों को जगाकर भजन सुनाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। Hey!
जिस रात को यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस रात को भी भजन सुनाई दिए थे। और आओ अब हम तुम्हें सुनाते हैं यीशु मसीह के जन्म की कहानी। ये बात बहुत पुरानी है। इजराइल देश के एक छोटे से गांव में मरियम और यूसुफ रहा करते थे। बच्चों, उन दिनों इजराइल का राजा ऑगस्टस कैसर था। एक बार उसने सभी को ये आज्ञा दी कि सभी लोग अपने अपने नगर में जाकर अपने नाम लिखवाएं। इस आज्ञा को सुनकर सभी लोग अपने अपने नगर जाने की तैयारियां करने लगे। यूसुफ बैतलहम नगर का रहने वाला था, उसको वहीं जाकर अपना नाम लिखवाना था। उसके पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए यूसुफ और मरियम दोनों पैदल चलकर बहुत दिनों में बैतलहम पहुंचे। बच्चों, जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह ही ना मिली। सभी सराए भर चुकी थी क्योंकि बहुत से लोग दूर दूर से अपने नाम लिखवाने बैतलहम में आए थे। आखिर एक आदमी को यूसुफ और मरियम पर दया आई। उसने अपने घर की गौशाला में उन्हें ठहरने के लिए जगह दे दी। और कहीं जगह भी तो नहीं थी, इसलिए इस बदबूदार जगह में उनको रहना ही पड़ा। दोनों ने मिलकर जगह साफ की। गाय भैंस जो घास फूस खाते हैं ना, उसी से उन्होंने अपना बिस्तर तैयार किया और सो गए। रात में उस गौशाला में जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। यूसुफ ने उठकर देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा बालक मरियम की गोद में लेटा है। बच्चों, कुछ ही देर पहले मरियम ने उसे जन्म दिया था। मरियम और यूसुफ के पास न गर्म कपड़े थे, न कोई पलंग था और न बिस्तर था। अब तो दोनों को बड़ी चिंता हुई। तभी उन्हें एक चरनी दिखाई दी। जानते हो चरनी क्या होती है? चरनी लकड़ी का एक बक्सा होता है जिसमें गाय भैंसों को घास फूस रखकर खिलाई जाती है। यूसुफ ने जल्दी से उसकी अच्छी तरह सफाई की और नरम नरम मुलायम घास बिछाकर छोटे बालक को उसमें लिटा दिया। यही था यीशु। उसके पास न झूला था, न खिलौने थे और न ही अच्छे कपड़े थे। फिर भी वो किसी बात की जिद करके रोता नहीं था। कोई मामूली बालक नहीं था। क्यों? बच्चों, उसके जन्म से बहुत साल पहले ही बहुत से लोगों ने यीशु के जन्म, उसके नाम और जन्म स्थान के बारे में बता दिया था। जब वो पैदा हुआ तो स्वर्ग दूतों का एक दल आकाश में गीत गाता हुआ दिखाई दिया।
उन्हें देखकर बैतलहम के चरवाहे डर गए। उनको ऐसा डरा हुआ देखकर एक स्वर्गदूत उनके पास आया और उनसे बोला, डरो मत, मैं तुम्हें एक बहुत ही खुशी का समाचार सुनाता हूँ। आज बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तुम इस बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। सारे चरवाहे ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और यीशु को देखने के लिए चल पड़े। आयु 30 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो दुखियों और गरीबों की सेवा करने लगे। यीशु ने सारी दुनिया के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। उन्होंने हमें सदा प्रेम का पाठ पढ़ाया। वे कहा करते थे, दुश्मनों से प्रेम रखो। जो तुम्हें दुख देता है, सताता है, उनसे बदला मत लो। सबको माफ करो। आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।